हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चले बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है आपको जो आज के लिए एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है जो सीबीएसई के बोर्ड की तरफ से किया गया है, और ये जो सेशन 2021-22 के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम क्लास 10th और 12th को लेकर के बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है। तो आप लोग बिल्कुल इससे डिटेल में हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक वीडियो का देखना क्या क्या। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सीबीएसई जो है इस बार 2021-22 के लिए एक स्पेशल स्कीम असेसमेंट लाया है, जिसके तहत इसमें जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का वो दो टर्म में होगा, SA1 यानी कि फर्स्ट टर्म SA1 और SA2 करके इस तरह से दो टर्म में होगा, और दोनों में लगभग 50% सिलेबस होगा। 50% सिलेबस SA1 में होगा और 50% सिलेबस जो है SA2 में होगा। तो बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है बच्चों के लिए कि आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम जो बर्डन था एक साथ नहीं होगा। एक जो एग्ज़ाम है वो आपका नवंबर दिसंबर में होगा और दूसरा मार्च में होगा। जो नवंबर दिसंबर में होगा स्टूडेंट्स, वो 90 मिनट्स का होगा, वो MCQ क्वेश्चंस होगा, ठीक है, MCQ फॉर्मेट में होगा 90 मिनट का। और बाकी जो होगा वो फिर जैसा पैनमिक सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा, तो उसमें होगा रिटेन जो है स्कूल में होकर जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा बिग अपडेट है आपको बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के, इसे बिल्कुल डिटेल में ध्यान तक समझना। एक का करके हम डिटेल में हर एक के बारे में समझाएंगे कि क्या है। सबसे पहले तो बता दें कि स्पेशल स्कीम असेसमेंट जो है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लॉन्च किया है क्लास 10th और 12th के लिए सेशन 2021-22 में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लिखा गया, कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्कूल जो वर्चुअल मोड क्लास ले रहे हैं, जिसके वजह से बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन है, तो इस सब को लेकर के CBSE सर्वे वगैरह करके ये लाई है। यहाँ से देखो आपको जो सेकेंड पेज है यहाँ पे आपको देख ही रहे, आप लोग CBSE वेबसाइट पे जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। हम भी वहीं से डाउनलोड किए, आज का डेट भी ये है 5 जुलाई, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जो था क्या था, यहाँ से था स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। सबसे पहले तो ये बोला एकेडमिक सेशन डिवाइडेड इंटू टू टर्म विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। ये बोला जो 2021-22 का सेशन है इसे दो टर्म में डिवाइड किया गया है, और हर एक टर्म में लगभग 50% सिलेबस होगा, ठीक है, इनटू टू टर्म फॉलोइंग सिस्टमैटिक अप्रोच लुकिंग द इन कनेक्टिविटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड द टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, उसके बिहाफ पे करेगा। एक्सपर्ट एंड द बोर्ड विल कंडक्ट एग्जामिनेशन एट द एंड ऑन द बेसिस ऑफ बायफ्रैक्चुलेटेड सिलेबस। दिस इज डन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th और 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन तक ये होगा। ये सब आपको बताया था डिटेल में थोड़ा। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मतलब यही लिखा गया कि दो टर्म में सिलेबस होगा और दोनों में 50% सिलेबस होगा। इसी तरह से इसका जो बी पैराग्राफ है ये क्या बोला, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 विल बी रेशनलाइज, इस तरह से रहेगा, सिमिलर टू डैट द लास्ट एकेडमिक सेशन जैसे टू बी नोटिफाइन जुलाई 2021 में इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा आपको। फॉर एकेडमिक ट्रांजेक्शन हाउ यूर स्कूल विल फॉलो द करिकुलम ऑफ सिलेबस रिलीज इन द बोर्ड वाइड करिकुलर। ये जो 31 मार्च का सिलेबस आया था आपको हम बताए थे, हम सिलेबस भी उसी के बिहाफ पे अपलोड कर रखे हैं, आप लोग जाके वहाँ से देख भी सकते हैं 9th-10th का सभी क्लास का सिलेबस, उसी के बिहाफ पे अभी बोला है स्कूल को पढ़ाने के लिए, और जुलाई तक लास्ट में सिलेबस भी आ जाएगा। स्कूल विल ऑल्सो यूज अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर एंड इनपुट्स फ्रॉम द NCERT ऑन ट्रांजेक्टिंग टू द करिकुलम, उसी के बिहाफ पे बोला स्कूल के बारे में किस तरह से हुआ है। थोड़ा और डिटेल में दिखाया गया है यहाँ पे, एफर्ट्स विल मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बोला है, ठीक है, ताकि इस पे ज़्यादा बढ़ावा दे डिस्ट्रीब्यूशन जो मार्क्स होता है। करिकुलम ट्रांजेक्ट देख रहा है, स्कूल विल कंटिन्यू, ये बोल रहा है टीचिंग डिस्टेंस मोड होना चाहिए जब तक परमिशन नहीं मिलता है टीचिंग मोड इन स्कूल में, जब तक उसे पढ़ा। क्लास 9th-10th का दे रखा है इंटरनल असेसमेंट के बारे में, तो यही बोला थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड वुड इंक्लूड 3 पीरियोडिक टेस्ट, 3 पीरियोडिक टेस्ट बोला लेने के लिए, स्टूडेंट इन रेज पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी, ये सब जो आपको होते आता है ये सब बोला करने के लिए। 10th, 11th, 12th का भी सेम है बिल्कुल, थ्रू आउट द ईयर ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड वुड इंक्लूड एंड ऑफ द टॉपिक्स और यूनिट टेस्ट एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, ये सब पे आपको मार्क्स मिलेगा। ये तो था मेन, आपको हम मेन लेके चलते हैं थर्ड पेज में, जिसमें पूरा बताया गया है एग्जाम के बारे में। बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनना, टर्म फर्स्ट एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, क्या चीज़।
एट द एंड ऑफ फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन। फर्स्ट टर्म जैसे खत्म होगा बोर्ड जो है टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। फ्लेक्सिबल शेड्यूल बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। ये एग्जाम कब होगा? नवंबर दिसंबर के बीच में होगा, लगभग नवंबर दिसंबर में होगा 2021 में। ओके, विद द विंडो पीरियड ऑफ 4 to 8 weeks फॉर अ स्कूल सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अबॉर्ड। जो कंट्री आसपास जितने भी स्कूल हैं जो देश में और बाहर जो भी कंट्री है वहाँ पर हर एक जगह होगा। डेट फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन विल नोटिफाई सब्सिक्वेंटली, मतलब तुरंत ही जो है एग्जामिनेशन का डेट आपको तुरंत दिया जाएगा, कुछ ही दिनों में दिया जाएगा। अब पैटर्न क्वेश्चन कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा, उसके बारे में ध्यान से समझना। द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, इंक्लूडिंग केस बेस्ड क्वेश्चन भी होगा। एमसीक्यू जो स्टडी केस क्वेश्चन होता है। एमसीक्यू और एक्सेलरेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, जैसे रीजन वगैरह आता है ना कि एक स्टेटमेंट दिया है, उसका आंसर दे दिया, ये सही है गलत है, इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू ही फॉर्मेट में होगा, जो कि 90 मिनट को आपको मिलेगा। इट कवर ओनली रेशनलाइज सिलेबस टर्म फर्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ टर्म फर्स्ट का होगा। अप्रॉक्स 50% ऑफ इंटायर सिलेबस, पूरी सिलेबस का 50% इसमें दिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर बता रहे, जो क्वेश्चन पेपर जो है वो CBSE भेजेगा स्कूल को अलॉन्ग विथ मार्किंग स्कीम के साथ दिया जाएगा, CBSE के तरफ से आएगा। पहले बता रहे, द एग्जाम विल कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय CBSE। एग्जाम जो है ये CBSE अपने तरफ से लेगा, तो ऐसा नहीं है कि स्कूल किसी भी तरह से लेगा। तो एक्सटर्नल जैसे सेंटर बोर्ड का एग्जाम होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपका S1 वगैरह होगा, सुपरविजन सब चीज़ CBSE के देख रेख में होगा यह सारा चीज़। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है द एग्जाम विल कंडक्टेड, ये तो हो गया। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल कैप्चर्ड और OMR शीट। हाँ, एक चीज़ और देखो, इस बार आपका जो MCQ का आंसर होगा ना, जैसे ये फर्स्ट का है तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा A B ऐसे इस तरह का। OMR शीट आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे तो फिल करोगे, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा। आप जैसे D B आंसर है तो आप B को पूरी तरह से कलर करोगे OMR शीट पे, ऐसे फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं बाहर हो गया, क्योंकि ये कंप्यूटराइज से चेक होता है, स्कैन होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर गड़बड़ हो गया, आप क्रॉस कर दिए तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो इसे ध्यान से आप लोग को जब हम करवाएंगे भी, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, परेशान होने का जरूरत है नहीं, ठीक है। OMR शीट पे होगा, जो कि स्कैन होकर डायरेक्ट CBSE पोर्टल पे चला जाएगा, ठीक है। स्कैन होकर CBSE पोर्टल पे तुरंत चला जाएगा। अल्टरनेटिवली मे बी इवेल्यूएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन विल अपलोडेड बाय स्कूल ऑन वेरी सेम डे, या तो स्कूल के उसी दिन इवेल्यूएट होकर स्कूल जो है मार्क्स अपडेट करेगा। फाइनल डायरेक्शन जो होगा रिगार्डेड विल कन्वेट द स्कूल बाय द एग्जामिनेशन यूनिट ऑफ बोर्ड को देना होगा। मार्क जो होगा टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन वो कंट्रीब्यूट होगा फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये पूरा एक स्कोर होगा स्टूडेंट का, उसी के बिहाफ पे मिलेगा। अब हुआ सेकेंड टर्म, जो टर्म सेकेंड एग्जाम होगा उसका कैसे होगा उसके बारे में। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड टर्म, जैसे सेकेंड टर्म एंड होगा बोर्ड जो है टर्म सेकेंड यानी कि जो एंड एग्जामिनेशन जो है बोर्ड करवाएगा बेस्ड ऑन रेशनलाइज सिलेबस टर्म सेकेंड ओनली। ये भी बता दें कि जो टर्म सेकेंड में सिर्फ सेकेंड टर्म का ही आएगा, डैट इज ये भी 50% होगा पूरी सिलेबस का। ओके, दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल 2022, ये लगभग मार्च और अप्रैल 2022 में होगा सेकेंड टर्म एग्जाम, जो कि एग्जामिनेशन जो है फिक्स करेगा बोर्ड सेंटर वगैरह जो भी है। इस पेपर 2 आवर का होगा। देखो पहले फर्स्ट टर्म जो था वो 90 मिनट का था, मतलब 1.5 घंटा का, और जो ये पेपर होगा फाइनल टर्म जो लास्ट में होगा सेकेंड टर्म, वो 2 घंटे का होगा। एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स, अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, जैसे होता है इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। लेकिन ये भी लिख दिया है साफ कि अगर जो सिचुएशन नहीं होता है नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का, तो फिर 90 मिनट का MCQ बेस्ड होगा जो कंडक्ट एट द एंड ऑफ टर्म सेकेंड ऑल्सो। ये भी दे दिया कि अगर जो पैनिक सिचुएशन रहता है और सेकेंड टर्म जैसे सेंटर पर एग्जाम बच्चों जाके नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, MCQ क्वेश्चन ही आएगा 90 मिनट का। जो मार्क्स होगा सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन का वो कंट्रीब्यूट होगा फाइनल ओवरऑल स्कोर में, ये भी जाके आपका कंट्रीब्यूट होगा यानी कि मिलेगा। अलग अलग सिचुएशन में दे रखा है, कंडीशन पहले मेंशन कर दिया कि क्या पैनिक होगा तो क्या होगा सब होगा। अगर जो सिचुएशन ज़्यादा पैनिक होता है और इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैनिक इम्प्रूव, हाँ देखो ये बोला कि अगर जो सुधरने लगेगा सिचुएशन तो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल भी आएंगे और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम और सेंटर देके भी एग्जाम देंगे। बोर्ड एग्जाम कंडक्ट दोनों फर्स्ट और सेकेंड एग्जामिनेशन
एट अ स्कूल और सेंटर दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कि आप सेकंड का आप जो है टर्म फर्स्ट का जो है उसका भी मे बी सेंटर जाएगा और सेकंड का भी, जब कब, जब ये इम्प्रूव होगा पैनिक सिचुएशन सुधर सकता है तो। और थ्योरी मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली बिटवीन टू एग्जाम, दोनों का थ्योरी मार्क्स दोनों का बराबर का होगा, जितना फर्स्ट टर्म आया जितना सेकेंड टर्म आया, ठीक है, दोनों का मिला के आपका फाइनल का जो एग्जाम का बनेगा। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैनिक फोर्स कंप्लीट द क्लोजर ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर 2021, इन केस ऑफ सिचुएशन, यानी कि अब ऐसा सिचुएशन होगा पैनिक जो है ज़्यादा हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, लेकिन टर्म सेकेंड हेल्ड अ स्कूल और सेंटर, मान लो नवंबर दिसंबर का नहीं हो पाया तो सेकेंड टर्म का एग्जामिनेशन फिर सेंटर पर स्कूल में होगा। टर्म फर्स्ट जो एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा वो डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों तरीके से होगा, बच्चों इसे ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं घर से भी। इन द केस ऑफ द वेटेज ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस एंड द वेटेज ऑफ टर्म सेकेंड विल बी इंक्रीज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फॉर फाइनल रिजल्ट। इस कुछ ऐसा भी केस हो सकता है कि जब फाइनल स्कोर में कुछ जो टर्म जो किसी का वेटेज घट सकता है बढ़ सकता है उसके बेस पे, इस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड बोल दिया। अगला जो था, इन द केस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द पैनिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग द मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म फर्स्ट एग्जाम आर हेल्ड एट द स्कूल और सेंटर। अब ये सिचुएशन बोला कि मान लो 2022 जो जैसे फर्स्ट टर्म का एग्जाम सेंटर पे हो गया था, लेकिन अब सेकेंड टर्म का ज़्यादा पैनिक हो जाता है सेंटर पे नहीं होगा, तो इस केस में रिजल्ट जो है बेस होगा स्टूडेंट का टर्म फर्स्ट जो एमसीक्यू हुआ था उसी के बेस पे और इंटरनल असेसमेंट पे बनेगा। ये भी बोल दिया कि अब जैसे नवंबर दिसंबर में सिचुएशन ठीक है, लेकिन जो मार्च अप्रैल में होने वाला था उसमें नहीं हो पाया किसी तरह से एग्जाम, तो आपका टर्म फर्स्ट के ही बेस पे इंटरनल असेसमेंट के बेस पे रिजल्ट मिलेगा। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड विल बी इंक्रीज, उसका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट के बेस, ठीक है, बना ले। ये था तीसरा सिचुएशन जो बताया है, ये कि इन द केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैनिक पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ अ स्कूल एंड द बोर्ड कंडक्टेड टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट ऑफ होम सेशन 2021-22। ज़्यादा सिचुएशन होता है पैनिक फोर्स का तो सारा एग्जाम जो है फर्स्ट और सेकेंड दोनों एग्जाम जो है बच्चे स्कूल से घर से ही दे सकते हैं। रिजल्ट जो है कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट के बेस पे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क थ्योरी मार्क्स टर्म फर्स्ट सेकेंड दोनों के बेस पे होगा। मतलब ये साफ कर दिया सीबीएसई कि इस बार आपको एग्जाम तो होना ही होना है, इस बार जो आपका एग्जाम है वो तो होके ही रहेगा, ठीक है, आपका एग्जाम होगा ही, बस वो डिपेंड करता है कैसे, घर से हो सेंटर, सिचुएशन सही रहेगा तो घर आप क्या होगा, आप लोग क्या होगा, मतलब आप लोग स्कूल जाके सेंटर पे एग्जाम दोगे, अदरवाइज घर से भी ऑनलाइन होगा उसी के बेस पे रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है इन अबव ऑल क्लास ये कैसे डाटा एनालिसिस ऑफ मार्क स्टूडेंट्स एनालिसिस किया जाएगा और इंटरनल होम बेस बेस एग्जाम के बेस पे दिया जाएगा सारा चीज़ देख कर। ये था तो पूरा एक था बहुत ही इंपॉर्टेंस नोटिस था, बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर ये एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, पता नहीं अब क्या होगा 2021-22 का सेशन जो है, तो बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए। जैसे अभी मे भी अब जब स्कूल का जो है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल जैसे दिल्ली बोर्ड की बात करें तभी जो कि सब पढ़ाई स्टार्ट होने वाला है, हो रहा है अभी, तो आपके लिए पहले सारा अपडेट आ गया। आप लोग कब अभी पास देखो आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने टाइम है SA1 का कंप्लीट करने के लिए, फिर 4 महीने टाइम मिलेगा आपको SA2 के लिए सेकेंड टर्म के लिए। तो आई होप कि आपको जो क्लियर है, आप लोग सारा फोकस आप स्टडी पे लगा, ये तो कंफर्म हो गया कि आपका एग्जाम होके ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा और आप लोग का जो बोर्ड के एग्जाम को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था कैसे होगा क्या होगा वो सारा क्लियर होगा। तो अगर इसी तरह से आप लोग एग्जाम से लेकर के और कोई भी एग्जाम वगैरह से लेकर के अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।